वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ द पॉड्स इन फिगर ए एंड फिगर बी। सो फिगर ए एंड बी, ये दोनों ही पॉट के डायग्राम दिए। तो फर्स्ट जो फिगर ए है, वो जो पॉट है वो है कॉनिकल जग, मतलब जो जग है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कोन की तरह। और दूसरा जो पॉट दिया है फिगर बी, वो है सिलेंड्रिकल, मतलब जो पहला पॉट है वो कोन है और दूसरा जो पॉट है वो है सिलेंडर। देखा, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड, मतलब जो सिलेंड्रिकल पॉट है उसमें कितने जग्स ऑफ वाटर हम लोग डाल सकते हैं। सो मे बी समझो जग का जो वाटर है वो 2 टाइम्स में फिल हो जाएगा सिलेंड्रिकल जो पॉट है, या 10 टाइम में या 20 टाइम्स में। तो हमको नंबर ऑफ टाइम्स फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमको जग्स ऑफ वाटर पोर करना पड़ेगा टू फिल द सिलेंड्रिकल पॉट। सो सिंपल है, देखिए हमको इसमें डिविजन करना होता है कि कॉनिकल जो पॉट है उस कॉनिकल पॉट से हमको सिलेंड्रिकल पॉट को फिल करना है। सो सिलेंड्रिकल पॉट बड़ा है और कॉनिकल पॉट छोटा है। सो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल पॉट से। अब इसमें जो गिवन वैल्यूज है वो पहले हम लिख लेते हैं। सो जैसे कि हम देख पा रहे कि डायग्राम में हमको फर्स्ट जो है दैट मीन्स कोन, कोन का जो हाइट दिया है हमको, हाइट इज 10 सेंटीमीटर और जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। सेम वे जो सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट सेम है 10 सेंटीमीटर और जो उसके बेस का रेडियस है इट इज 7 सेंटीमीटर। सो अभी देखिए इसमें दोनों ही डायग्राम में रेडियस एंड हाइट है। सो डिफरेंशिएट करने के लिए फर्स्ट जो, मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग एक को क्या करेंगे, 1 असाइन करेंगे और सेकंड को 2 से। दैट मींस रेडियस 1, हाइट 1, दैट इज आर 1 एच 1 और दूसरा जो है उसके लिए आर 2 एच 2। सो यहां पे रेडियस ऑफ ओ कोन या कॉनिकल पॉट हम लोग लिख सकते हैं, कॉनिकल पॉट, इसको रिप्रेजेंट कर लिया हमने आर वन से। इट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सेम वे हाइट ऑफ ओ सिलेंड्रिकल, हाइट ऑफ अ कॉनिकल पॉट, कॉनिकल जो पॉट है उसका हाइट हमने रिप्रेजेंट किया एच वन, ये है 10 सेंटीमीटर। सेम वे रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट आर टू इक्वल टू, ये हमको गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड इसका हाइट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच टू से, ये है 10 सेंटीमीटर। अब हमको करना क्या है, नंबर ऑफ जो टाइम्स है दैट मीन्स हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड।
ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग दोनों के वॉल्यूम्स का डिवीजन फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ कोन से. सो नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल सिलेंड्रिकल पॉट इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल पॉट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पॉट. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई आर स्क्वायर एच. देखिए सिलेंड्रिकल जो पॉट है उसके रेडियस एंड हाइट को हमने रिप्रेजेंट किया है. सिलेंड्रिकल पॉट का जो रेडियस एंड हाइट है उसको हमने आर टू एंड एच टू से रिप्रेजेंट किया है. डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल पॉट है. सो जो कोन होता है उसका वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब इसमें जो रेडियस एंड हाइट है वो कॉनिकल पॉट के है. कॉनिकल पॉट के रेडियस एंड हाइट को हमने आर वन एच वन से रिप्रेजेंट किया है. तो ये आर वन एच वन. देखिए इसमें पाई सेम दिख रहा है हमको न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर में, तो ये कट हो जाएगा. और जो 1/3 है ये 3 न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाता है. दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 इंटू आर टू का स्क्वायर. आर टू का स्क्वायर दैट मीन्स 7 × 7 इंटू एच टू. दैट मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पॉट वो 10 है. एंड डिनोमिनेटर में आर वन का स्क्वायर. आर वन का स्क्वायर दैट मीन्स 3.5 × 3.5 और इंटू हाइट है. हाइट इज 10. अब देखिए इसमें हम कैंसिलेशन करेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 10 10 है, ये कैंसिल हो गया. 3.5 का डबल करने पे 7 आता है. दैट मीन्स 2 होगा. 3.5 का डबल. देखिए डिनोमिनेटर के पूरे जो नंबर्स थे वो कैंसिल हो गए. न्यूमरेटर में बचा हुआ है इट इज 3 इंटू 2 × 2 दैट मीन्स हो गया 3 × 2 = 6 6 × 2 = 12. सो उस सिलेंड्रिकल पॉट को फिल करने के लिए 12 नंबर ऑफ जग्स रिक्वायर्ड होंगे. मतलब 12 जग्स ऑफ वाटर हम पोर करेंगे तो सिलेंड्रिकल पॉट फिल हो जाएगा. हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई. ये रहा दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिले.